हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुलशन एकेडमी। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक नोटिस पर जो कि एनटीए के द्वारा जारी किया गया है। देखिए, कई स्टूडेंट का मेरे पास मैसेज आया था कि उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, जब उन्होंने अप्लाई किया तो वो फिलअप नहीं हो पाया। कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी फ़ीस जो है अभी तक पे नहीं हो पाई थी लास्ट डेट तक, और कई ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने फॉर्म ही नहीं भरा था। तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि एनटीए के द्वारा जो है अब डेट एक्सटेंड कर दी गई है। ठीक है, डेट एक्सटेंड कर दी गई है। आप देख सकते हैं 27 तारीख यानी कल ये नोटिस देखें आया हुआ है, और इस नोटिस में जो बात की गई है वो डेट की, तो डेट आप देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 रखी गई थी। ठीक है ना, पहले जो डेट थी लास्ट डेट वो थी 28 अक्टूबर, अब ये डेट कर दी गई है 31 अक्टूबर तक। ठीक है, और लगभग 12 बजे तक जो है आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और ऑनलाइन एप्लीकेशन की। ठीक है ना, और 31 अक्टूबर तक जो है आप अपनी फ़ीस वगैरह भी जो है पे कर सकते हैं। 31 अक्टूबर ही लास्ट डेट इसकी रखी गई है फ़ीस वगैरह की। करेक्शन की अगर हम बात करें तो करेक्शन की जो डेट रखी गई थी वो रखी गई थी पहले 30 से 31 अक्टूबर, अब कर दी गई है ये 1 से लेकर के 3 नवंबर के बीच में। ठीक है, करेक्शन के लिए। और करेक्शन में एक बात और क्लियर कर दी गई है कि अगर आप मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं आधार कार्ड से रिलेटेड, तो वो आप जो है जो जो आप चेंज नहीं कर सकते वो यहाँ पे बता दिया गया है, जैसे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ पर भी जो जो चेंजेस आप नहीं कर सकते हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप UGC नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी वीडियोज़ को देख सकते हैं, लिंक मैंने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जहाँ पर पेपर 1 से रिलेटेड आपको सभी वीडियोज़ मिल जाएगी। तो क्लिक करें और एक बार ज़रूर देखें।